हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में जो भर्ती चल रही है लेडीज सुपरवाइजर का, तो उसके रिगार्डिंग में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। जैसे जैसे मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है और आप लोगों को जितना कमेंट आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मुझे बहुत सारे कमेंट आए बहुत सारे वीडियो में कि सर, जो एफिडेविट है यानी जो अंडरटेकिंग देना है, तो उसमें जो है उसको क्या देना है, ओरिजिनल देना है कि इसका फोटोकॉपी देना है। ठीक है, तो मैंने इसमें किसी किसी को जवाब भी दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे जब इस पर बहुत सारे कमेंट आने लगे तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सभी तक ये बात पहुंच सके। ठीक है, ताकि आप लोग कोई गलती ना करें, अगर गलती कीजिएगा तो फिर जो है बाद में आपको इसमें उसको भुगतना पड़ेगा आपको, और जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बिल्कुल सही जानकारी रखें और सही से जो है फॉर्म को अप्लाई करें और हार्ड कॉपी भेजें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वीडियो में बात करेंगे आगे कि आपको जो अंडरटेकिंग है यानी जो एफिडेविट बोला जाता है उसको आपको क्या देना है, ओरिजिनल देना है कि फोटोकॉपी देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी जो एक परेशानी आ रही है, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर, हम लोग को जो है किसी का कहना है कि जाति नहीं बन पा रहा है, किसी का कहना है कि निवासी नहीं बन पा रहा है, और किसी का कहना है कि चरित्र प्रमाण पत्र अभी तक हम लोग को नहीं बन पा रहा है, बहुत लंबा टाइम दिया गया है, डेट देगा बाद में। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग के पास नहीं है, नहीं बन पा रहा है और आपको हार्ड कॉपी भेजना अनिवार्य है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा डेट बढ़ चुका है, आखिरी तिथि जो है 5 अगस्त तक है, फिर भी अगर आप लोग का नहीं बन रहा है उस दिन तक, तो आप लोग को क्या है, घबराना नहीं है। ठीक है, ये करना क्या है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट है आपको वो फिलहाल भेज देना है हार्ड कॉपी के। ठीक है, और उसके बाद जो है जब आप लोग का नाम आएगा लिस्ट में, तो उसमें आप लोग को दिया जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको जो एक तारीख दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, आपको उस तारीख तक फिर आपको वो सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट आपका लिस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास है तो ज़ोर भेजिए, अगर नहीं है तो मजबूरी में अगर उस डेट तक नहीं बन पा रहा है तो आप हार्ड कॉपी भेज दीजिए, और बाद में जो है आपको जो मौका मिलेगा तो आपको जाति निवासी या चरित्र प्रमाण पत्र जो भी है बाद में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो है जो भी आपको ज़िला में है आपकी तरफ से वो मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अंडरटेकिंग का कि आपको क्या देना है, तो अंडरटेकिंग जो आपको बनेगा सिविल कोर्ट से या जो भी कोर्ट से बनेगा, आप लोग कोर्ट से बनवा रहे हैं, तो आपको ये देना है ओरिजिनल। ठीक है, फोटोकॉपी दीजिएगा तो उसका वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं है। ठीक है, आपको अंडरटेकिंग यानी एफिडेविट जब भी देना है तो आपको देना है ओरिजिनल। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, क्योंकि कमेंट का जवाब देने से सभी तक ये बात नहीं पहुँच पाती है, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एफिडेविट को लेकर, तो सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि सभी तक बात पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, इसको शेयर कीजिए ताकि सभी तक बात पहुँच सके और वो सही डॉक्यूमेंट दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लाइक तो बनता है, और इस तरह का अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।